पूर्व जमुनिया डैम का चौड़ीकरण के दौरान नहर का रास्ता बंद कर दिया गया था। लाख बार भी कहने के बाद विभाग ने जब किया अनसुना, तो ग्रामीणों ने खुद की पहल पर श्रमदान कर नहर को साफ कर सिंचाई के लिए पानी का रास्ता बनाया। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। जामुनिया डैम के एक केनाल को एक वर्ष पूर्व चौड़ीकरण के दौरान बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के भलुआ, बकसपुरा, नवादा समेत कई गांवों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिससे खेतों में फसल मुरझाने लगे थे। ग्रामीणों के कई एक बार विभाग में सिंचाई की सुविधा के लिए गुहार लगाया गया, परंतु विभागीय अनदेखी के बाद भलुआ और कुछ नवादा के ग्रामीणों ने कुदाल और फावड़े लेकर जामुनिया डैम पहुँचे और बंद पड़े नहर को श्रमदान कर काफी मशक्कत कर साफ किया। मौके पर उपस्थित उत्तम महतो ने बताया कि नहर के काम के दौरान केनाल के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के सभी किसानों को पटवन के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। सिंचाई के अभाव में करोड़ों के फसल का नुकसान हो रहा था। विभाग की अनदेखी को देखते हुए अंततः ग्रामीणों ने श्रमदान कर नहर के मुख्य गेट को साफ किया है। हमारे ग्रामीण को काफी दिक्कत हो रही थी, यहां से जो डैम का जो गेट, मेन गेट का जो काम हो रहा था, तो ठेकेदार ने यहाँ पर मेन गेट से हम लोग को कनाल जो पानी जाती है भलुआ वगैरह पूरा रखवा बनातो नवादा पूरा ये पटवन होती है, काफ़ी मात्रा में ये पटवन है। इसलिए उन्होंने ठेकेदार द्वारा ही मेन कनाल को यहाँ पर देखिएगा ये बंद कर दिया गया, और ये बंद करने के कारण से गेहूँ काफ़ी जो है सो नुकसान में है और सब मर रहा है। इसलिए किसी तरह का सहयोग नहीं होने के कारण से पब्लिक ने निर्णय लिया कि चलो अपने से हम लोग मेहनत करके उस कनाल को साफ कर दिया जाए। सभी महिला पुरुष मिल करके हम लोगों ने इस कनाल को साफ करके पानी ले जाने का काम कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारा जो गेहूँ बहुत नाजुक स्थिति में है सर, और गेहूँ का बाली अभी दे चुका है, और अगर भी हम इस बार पानी नहीं देते हैं तो सारा नुकसान, करोड़ों में नुकसान हमारे पब्लिक को पहुँचेगी हमारे क्षेत्र से।